जग तो झूठी माया, सच तो केवल कृष्ण है। प्रेम की निर्मल छाया, वो भी केवल कृष्ण है। कृष्ण ही है मार्गदर्शक, कृष्ण ही अंतर्मन है। मन में जिसके प्रतिबिंब झलके, कृष्ण वो दर्पण है। कृष्ण कृष्ण मैं नाम रटूं, जैसे मीरा अनुपम है। कृष्ण सा जग में कौन कहां, जो बाटे सब में आनंद है। नमस्कार, राधे राधे, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। इस बार सर्व सिद्धि योग के साथ 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, जहां उत्सव को लेकर के सभी जगह तैयारियां जोरों पर है। भगवान कृष्ण द्वापर युग से जुड़े अपने धर्म और कर्म के साथ साथ मन को ललायत करने वाले भगवान विष्णु का वो अवतार है जिसे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कृष्ण का बाल रूप जो आज सभी के घर में लड्डू गोपाल के स्वरूप में विराजमान है, इस दिन आपने जगह जगह ठाकुर जी की मूर्ति के साजो श्रृंगार के साथ साथ स्कूल और घरों में भी बाल स्वरूप में बच्चों को कृष्ण बनते देखा होगा, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके जन्मोत्सव के तौर पर गीत संगीत के माध्यम से एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। उनके काले रंग में भी सुंदरता से मोहित करने वाला वो रूप जिसे वृंदावन काशी बरसाना ही क्या, दुनिया का कोना कोना दीवाना है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जीवन की संपूर्ण गाथा आज उनके मूर्त रूप में भारत में धरोहर के रूप में स्थापित है। फिर वो चाहे 5000 साल पुराना वृंदावन का श्री राधा मदन मोहन मंदिर हो, गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर हो या जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, भगवान कृष्णा की लीला जीवन से जुड़ी स्मृति आज भी जिंदा है। इस बार जन्माष्टमी पर सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का योग होने से सर्वसिद्धि योग बन रहा है और इस योग के जरिए पूजा कर्म करने से अक्षय पुण्यों की फलभूति होती है। तो आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण की पूजा से जुड़े कुछ खास धार्मिक कार्य जो आपको जरूर करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण का पंचाभिषेक कर उनके प्रिय वस्तु जैसे कि पीले वस्त्र, मोर पंख, माखन मिश्री, बांसुरी, तुलसी आदि अर्पित करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को वृंदा मतलब कि तुलसी बहुत ही प्रिय है और इसलिए भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी दिन भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को झूले में जरूर झुलाना चाहिए। भगवान शिव भगवान कृष्ण के आराध्य माने जाते हैं, इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। इसलिए बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े के फूल, चंदन के लेप आदि से शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। गौ माता श्री कृष्ण को प्रिय मानी गई है, इसलिए श्री कृष्ण पूजा के बाद किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। इस दिन गायों को हरी घास खिलानी चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया है, इसलिए इस पर्व पर गिरि महाराज जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। संभव हो तो इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।